बेबी हो ऐसी जो लव यू कहे शर्मा मैं लुक देंदा रवा Presents हम 22nd Lux Style Awards Red Carpet ईद के दूसरे दिन शब 7:30 और अवार्ड शो शब 8:00 थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो तो मुझे वाकईतन छोड़ के जा सकते हो। तुमसे बातों में कुछ इस दर्जा मगन होता हूं मुझे बातों में मगन छोड़ के जा सकते हो। ये मेरी गजल थी मुझे याद है तुम्हें दिखाई तो तुमने उचक ली कुछ रद्दो बदल करके अपनी बना ली। मैं इसे शायराना अदा समझी थी मगर ये तो सरासर डाका था। मेरी गजल छीनी और अगर किसी को बताती तो बदनाम भी मैं ही हो जाती। अहमद सर आप तुम ऐसे क्यों निकले? अच्छा खासा शेर कहते थे तुम खुद भी मगर ये तो हवस थी। जो तुम्हारा था वो तो था ही तुम्हारा लेकिन तुम्हें दूसरों से भी हिस्सा चाहिए था अपना जो तुम्हारे आगे किसी का चराग ना चल सके। क्या ब्लॉग लिखा? पढ़ा नहीं। मैं ऐसे फजूल तहरीरें नहीं पढ़ता। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? पूछ इसलिए रहा हूं कि कल आपके शौहर ने मेरे घर पे पथराव किया मिराज को मारा है। ये क्या हो रहा है पैनी? तो वो यहां तक पहुंच गया। पैनी ये सब लिखने के लिए आप उस कबाड़िये शहरयार ने उकसाया था? मैं बच्ची नहीं हूं कि कोई मुझे उकसाएगा और मैं उसी रास्ते पे चल पड़ूंगी। मैं वो करती हूँ जो मेरा दिल चाहता है। ना बच्ची नहीं आपकी तलाक हुई नहीं मेरी बीवी नाराज होकर अपने घर चली गई है। मैंने आपको अपने घर में पनाह दी हुई है। आप अपने शौहर के लिए बकवास लिख रही हैं और वो भी सोशल मीडिया के चौराहे पे। तो आप बताएं कि मैं क्या करूं? आपको कुछ अंदाजा है कितने पैसे दे रहा है वो एडिटर? आप इतने पैसे का करेंगी क्या बताइए? क्या मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने जवाब दे हूं क्योंकि मैं आपके घर में रह रही? ये वजह काफी नहीं? नहीं आप ये पैसे के लिए नहीं कर रही हैं आप इंतकाम लेने के लिए कर रही हैं वो भी अपने शौहर से इंतकाम लेने के लिए और ये सारा गेम रचाया हुआ है उस कबाड़िये का। आपको शहरयार से एक तरह की फिक्सेशन हो चुकी है अभी तो शुरुआत है। सुल्फकार के पोल खुल गए इसीलिए वो इतना तिलमिला रहा है। देखो पैनी तुम्हारी वजह से अगर कोई मेरे घर के दरवाजे पे आया तो फिर तुम इस घर में नहीं रहोगी और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। बाबा का कोर्स मुकम्मल हो गया। बच्चे नहीं कुछ वर्कशॉप्स रहती हैं हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम क्यों जा रहे हैं? आपके हुडीज और स्नीकर्स पे करने हैं। मम्मा अब हमसे मजाक कर रही है ना आपके और बाबा की लड़ाई हुई है। बच्चे बड़े लड़ाई नहीं करते और मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर्स तो बिल्कुल नहीं लड़ते। हम मर्ज को डायग्नोज करते हैं और फिर इलाज करते हैं। तो फिर लड़ाई कौन करता है? लड़ाई वो लोग जिनके पास कोई दलील नहीं होती। दलील प्रूफ एविडेंस झूठे होते हैं। जब वो अपने झूठ को प्रूफ नहीं कर सकते तो लड़ते हैं चीखते हैं और जब बिल्कुल हारने वाले हों तो मारते हैं चीज़ें तोड़ते हैं। लड़ना बुरी बात होती है ना? बहुत बुरी बात और घर वालों से लड़ना तो बहुत ही बुरी बात बिल्कुल ही लड़ना चाहिए। आपकी जब शादी होगी ना? मैं शादी वादी नहीं करूंगा। अच्छा सुनो तो ना
जब शादी होगी तो अपनी बीवी से एहतराम से बात करना, ठीक है, इज्जत से बात करना, ऊंची आवाज में कभी ना बात करना। मैं शादी करूंगा ही नहीं। अच्छा ना करना भाई, अगर कभी की तो अपनी बीवी से प्यार से बात करना, एहतराम से। घर में चीखने चलाने से पता क्या होता है, खुशी की सारी फेरीज डर के भाग जाती हैं और परेशानी के भूत जो है ना वो घर में घुस आते हैं। मामा मामा ये हमारे घर के लिए आई किसने छोड़ी क्या भूत ने? नहीं बेटा, कल रात को आंधी आई है ना, उससे टूटी है। बाबा। बाबा की जान। हेलो। हेलो बेटा। वो बहुत मिस किया। आपने मुझे मिस किया? मैंने इतना सारा मिस किया, मगर तुमने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया। नहीं, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। कब किया था? रात में या अभी? अभी भी रात में। अच्छा, नानू के साथ आई हो? नहीं, मामा के साथ। हमारे घर की पेंटिंग नानू के घर चली गई थी तो उसको लेके आई हूँ। हमारे घर की पेंटिंग नानू के घर? मामा कहाँ है? मामा नीचे। आओ मिलते हैं, ठीक है? आ जा भाई। ये पैनी साहिबा की अगली किस्त के बाद क्या होगा? पुलाव खाएंगे अहबाब, फातिहा होगा और क्या होगा? वैसे शहरयार मियां, आप भी कोई बहुत ही मनहूस इंसान हैं। वो क्लासिक ट्रेजेडीज में नहीं, एक किरदार हमेशा किसी नहुसत की तरफ इशारा कर रहा होता है। आप भी लगे हुए, पता नहीं किसकी जान लेंगे। जाने किस किस की जान जाएगी। ऐसी बातें बता ही नहीं जानती। आज रुख पर नकाब नहीं है। देखिए उसने साहिबा को कैसे उड़ रही है, ये देखें। इनसे तो आपकी खत्म हो गई, हमें कल नजर आ गया था। जिस सफाकी से इन्होंने परवेज मियां की लगी लागत पर लात मारकर मंगनी वाले दिन ड्रामा रचाया ना, मैं इनकी नीयत जान गया था। अहमद जरियाब के सर पर कजा मंडला रही है ये लड़की, बहुत खतरनाक है। अहमद जरियाब के सर पर कजा तो पैनी साहिबा ने नाजिल की है, अभी पथराव हुआ है। आज की किस्त के बाद फायरिंग होगी। अहमद दरियाब साहब सारी जिंदगी जो खेल रचाते रहे हैं, उसका ये नतीजा तो निकलना था। किसी भी औरत के बाप भाई या शौहर ने उन पे बोरी डालकर फलों की पेटी से जो लकड़ी निकलती है ना, जिसपे कीले निकली होती, उससे उनकी धुलाई करनी थी। क्या इमेजिनेशन है भाई आपकी, लेकिन ये हो ना सका। ये तो ना हो सका, मगर अब ये आलम है कि अहमद जरियाब के घर पर पथराव हो रहा है और उनकी बेगम घर छोड़कर चली गई। अच्छा। और इनको देखें, ठीक है? हाँ। अच्छा देखो, ऊपर जाओ और अपनी हुडीज और मफलर्स सारे निकालो, बड़ा सूटकेस मैंने निकाला हुआ है, मिराज भाई के साथ सारे अंदर रखो, ठीक है? मैं पिंक वाली हुडी और स्टार वाली। स्टार्स वाली ना, वो नीचे वाले शेल्फ पे लगी हुई है, ठीक है? चलो। थैंक यू। वेलकम बैक। ये पेंटिंग तुमने उतरवाई थी? आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, घर की चीजें ना बेचें। मैंने घर की कोई चीज नहीं बेची। अगर सौदा करना आता ना मुझे, तो शादी करने का घाटा ना खाता। कौड़ियों के दाम बेची है, कौड़ियों के दाम। अफाकी ने ये पेंटिंग कौड़ियों के दाम बेची है जवाद स्टूडियोज में, पता नहीं और क्या कुछ बेचा होगा। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ, पैसों के लिए कर रहे हैं या कोई और बात है? कमजरफी का बड़ा आला गुजारा कर रही हो तुम।
मैं जानता हूं ये मकान तुम्हारा है, इस घर में एक एक चीज तुम्हारी है। मैं तो बस सिर्फ अपना घर समझता था। अच्छा, तो घर समझते हैं आप इसको? घर ही है ये। अच्छा किया तुम आ गई वापस, बहुत मुश्किल हो रही होगी मेरे बहन। वापस नहीं आई हूँ, मैं ये पेंटिंग लटकाने आई हूँ और आपको ये बताने आई हूँ कि जो कुछ इस घर में हो रहा है ना, मुझे सब पता है। मुझे एक एक बात की खबर है। एक एक बात की खबर है तुम्हें? साफ साफ बताओ, कहना क्या चाह रही हो तुम? गुंडे आए हैं कल इस घर में, आपका नाम ले लेके गालियां दे रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे। मैं इस माहौल में अपने बच्चों को भेजूंगी? इस माहौल में अपने बच्चों को रहने दूंगी? अदीला बेगम, ये सब शोहरत के आजार, तुम भी समझोगी इन बातों को। आपका सामान मेराज से निकलवा दिए, उससे ले लीजिएगा, मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। अदीला, एक मिनट, इधर बैठो, बैठो ना। वो पहली का शौहर था, यानी मेरे घर, हमारे घर आई थी पनाह मांगने के लिए। शोर भी पीछे आ गया। तुम ही बताओ इन हालात में मैं क्या करता? जाने देता उसके शोर के साथ? यकीनन उसकी जान को भी खतरा होगा। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? सामान मेरा हाथ से ले लीजिए। आइए 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 भाई, अगर आज बेहोश होने का इरादा हो ना तो आफाकी साहब से परे उस गद्दे पे गिरिएगा। आपको लगता है कि जानबूझ के बेहोश हुई थी? नहीं तो दातो रात पहनी साहिबा का सुपरस्टार बना दिया, हमें तो नहीं बताया। बुरा मत मनाइएगा हुस्ना साहिबा, बहरहाल पैनी साहब एक सच्ची खातून तो है, थोड़ा बहुत लिखना भी आता था, खूबसूरत तो है यार, लोगों ने शायरी पे लगा दिया जैसे आपको लगा दिया है। और दूसरी बात यह है कि वो जिस उम्र में तजर्बेकार खातून ऐसी बातें करे तो लोग उसे बहादुर समझते हैं, आप जो कर रही हैं इस उम्र में यही मुनासिब है। देखिए यूनिवर्सल चचा आफाकी साहब आपको कितने प्यार से समझा रहे हैं,
दिल छोटा मत करें। आप जो सोशल मीडिया पे अपनी मोहब्बत का तस्करा कर रही हैं ना, उसकी रुनुमाई कर दीजिए। यूं शोहरत मिलेगी आपको भी। मुझे लगता है काफी संजीदा हो गए आप पैनी साहिबा के साथ। आपको लगता है? मुझे यकीन है कि आप जरियाब साहब के साथ हद से ज्यादा संजीदा हो गई। इल्जाम तराशी कर रहे हैं आप? भी तो यही कर रही हैं हौसला साहिबा। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं यकीनन ठीक कह रहा हूं। चाय पीएंगी? नहीं शुक्रिया। खुदा हाफिज। मान गए वही चेहरियार, मान गए आपको, उस्ताद आदमी हैं आप। पैनी साहिबा के जरिए जबरदस्त गेम खेला है। अगली बारी अहमद जरिए आपकी, देखते जाइए फिर खूब पैसा आएगा। और पैनी साहिबा जहां पैसा उड़ा रही है ना, वहां भी बंद बांधना पड़ेगा। उस शख्स को रोकना पड़ेगा जो सब कुछ मुहैया कर रहा है। नेक ख्याल है आपका, नेक ख्याल। पेंटिंग अफाकी ने बेची थी, तुमने दी थी उसको वो पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? वो पेंटिंग जो मेरे घर की दीवार से गायब हुई थी, अदीला लेकर आई थी, अफाकी से बिकवाई थी ना। क्या बातें कर रहे हैं आप, मेरा दिमाग बंद हो रहा है। कौन सी चीजें, अफाकी कहां से आ गए, क्या कह रहे हैं आप? मेरी कफलिंग, मेरी घड़ी, मेरा चांदी का टी सेट सब गायब हो गया। और ये जब से गायब हो रही है चीज़ें, जब से तुम आई हो। ये चीज़ें आपके घर से गायब हुई हैं? राय मेहरबानी सिर्फ इतना बता दो कहाँ और किसको बेची है। मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या बातें कर रहे हैं। अरे पैनी, मैं बहुत अरसे से खामोश था, पानी सर से ऊपर निकल गया है, बात मेरे ससुराल तक जा पहुँची है। तुम्हारा शौहर मुझे बदनाम कर रहा है, मुझे गालियां दे रहा है, मेरे मोहल्ले में, मेरे खानदान में, मेरे दोस्तों में। अरे मेरे घर की बदनामी हो रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया है? आपने कहा उसे छोड़ दो, कनाडा जाएंगे, आजाद हो जाओ। मैं आजाद हो गई, अगर आप सहारा ना देते तो मैं इतनी दूर तक नहीं आती। मैंने यानी आपको घर छोड़ने का मशवरा मैंने दिया है? मैंने? जी हाँ आपने ही दिया है, पर आपके इस इरादे से अदीला भी आगाह थी, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। तो गोया ये मैंने मशवरा दिया है कि आप अपने शोहर जुल्फिकार को छोड़ दें। बहुत खूब, आप एक शायर आदमी हैं, मैं भी शायरी की जुबान समझती हूँ। आपने मुझसे कहा उसको छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। आपने अदीला को छोड़ दिया, वो घर छोड़कर चली गई। सारी दुनिया को नजर आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। चले ऐसे ही समझ लेते, मैं भी चाहता था, शायद तुम भी यही चाहती हो। मगर एक बात बताओ, जो मेरे घर से सारा सामान गायब हुआ है और जो तुमने अपने शोहर के खिलाफ जो ब्लॉग लिख दिए, इसका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? वो कहते हैं ना, 2 is company and 3 is a crowd। आपकी जिंदगी में हुस्ना और जहारा जैसी लड़कियों के आने के बाद आपका मिजाज बदल गया। आपने और हुस्ना ने प्लान करके उसकी मंगनी तोड़वाई, और अब आप और हुस्ना प्लान करके मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं ताकि आप मुझे इस घर से जाने का कह सकें। अरे वाह वाह वाह, क्या कहानी लिखी है। गालिबन इसमें तुमने शहरयार को भी शामिल किया होगा। ये कहानी नहीं है, सच्चाई है। आप और हुस्ना प्लान करके मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ही जानती हूँ। पहली मेरे और तुम्हारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसके दबाव में आके मैं तुम्हारे खिलाफ साजिशें करूं।
अगर मुझे आपको रास्ते से हटाना तो मैं खुद कह सकता हूँ। तो कह दीजिए ना, कह क्यों नहीं देते, डर किस बात का है? हाँ तो कह देता हूँ। मेरे घर से आप चले जाइए, मगर जाने से पहले चोरी शुदा सामान मुझे वापस कर दे, वरना मैं पुलिस को मुतला कर दूंगा। अम्मी मेरे लिए भी नाश्ता बना दे। अच्छा तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब आगे जो आप सवाल करने वाले हैं उनमें से कुछ के जवाब तो हैं ही नहीं, और कुछ के जवाब मैं दूंगी नहीं। कॉलेज कब खुल रहा है? छाजू बाजी से ही पूछ ले, वैसे भी उन्होंने मेरी फाइल बना रखी है, क्या पता मेरा फोन भी टैप कर रही है, सब कुछ तो मालूम होता है ना। अपनी बेटी की मसरूफियत के बारे में मुझे लोगों से क्यों इल्म हो, खुद क्यों नहीं बता देती? बता तो दिया है मैंने, अब आपको यकीन करना है तो करें, नहीं करना तो मत करें। मोहम्मद हुसैन साहब आप परवेज की बात मान लें, बस लड़की के मुंह ना लगे, दुआ करें बस, सब अब मेरा दिल काबू में नहीं। कुंवारी बच्चियां जब ऐसी जबान बोलने लगी ना तो नाश्ता कर लें। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप कौन है पैनी? या तो पैनी तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो, या तुम मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ समझ रही हो। ओ भाई मैं तुम पे सिर्फ तरस खाता था, शहरयार और अफाकी के हाथों लुटते तुम्हें देखकर तरस खाता था। इस औरत पर अपने शौहर से मार खाकर आती थी ना, तो सिर्फ हमदर्द था, फकत हमदर्द। तरस खा रहे थे मुझ पर, हमदर्दी कर रहे थे। पूछ के नाखून लो। जो औरत अपने शौहर के होते हुए अपने शौहर की कमाई दूसरे मर्दों पे लगाती हो और रात गए तक गैर मर्दों के साथ शुगल करती हो, उसके अंदर क्या खूबी होगी जिसके पीछे एहवा जरियाब जाएगा? तो वो सब क्या था, वो सब कुछ क्या था जो हमारे बीच में था? क्या वो सब क्या, वो सब क्या था, वो बातें, वो मुलाकातें, वो मोहब्बत भरे जुमले? वो बातें सिर्फ बातें थी, वो मुलाकातें सिर्फ मुलाकातें थी, वो जुमले पैनी सिर्फ जुमले थे और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि आपने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया तुम्हें मैंने? तुमने खुद अपने आप को धोखा दिया, अपने दिल के हाथों पागल बन रही हो तुम और कुछ नहीं। ये सब सच नहीं। इन आंखों में मैंने हमेशा अपनी तस्वीर देखी, बाजुओं में मैंने हमेशा खुद को महफूज महसूस किया, इस धड़कन ने हमेशा मेरा नाम पुकारा। ये सब झूठ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। खुद फरेबी थी, महज खुद फरेबी और कुछ नहीं। ओ बीबी तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, मेरी जिंदगी को बख्श दो, कल सुबह होने से पहले पहले यहां से चली जाओ, बस इतना वक्त दे सकता हूं मैं तुम्हें। आ, 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 आ,
कमरे की एक दुनिया है, एक बिस्तर, कुछ किताबें हैं, आने जाने को एक दरवाजा। खैर, आता भी कौन है। का मतलब है कि आपने मुझे धोखा दिया? धोखा दिया तुम्हें मैंने? तुमने खुद अपने आप को धोखा दिया। ओ बीबी, तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, मेरी जिंदगी को बख्श दो। राबिका एक महबूबा, और वो जिनका जिक्र नहीं। खैर, आता भी कौन है घर में। गाड़ी से मेरा सामान ले आइए, लैपटॉप, सूटकेस, सब कुछ। और सुनिए, करीब की किसी दुकान से कॉफी का डब्बा लेते आइएगा। आप लोग तो कॉफी पीते नहीं हैं, और मेरा कॉफी के बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं। तू जलाल तू आए बला खुटा तू, अगर ये वाफद आए बड़ी हम पर। आइए। किसके साथ आई तुम? परवेज के साथ। पैनी को रवाना कर दिया। कहां? अब ये नहीं पता कहां गई वो, बस जाने को कह दिया। ना, कहां गई होगी बेचारी। बेचारी बहुत ठिकाने है उसके पास, अपनी जिंदगी की कहानी लिख रही है। वेरिटर बहुत नोट दे रहा है उसे, पर वो चोरियां करती फिर रही है। चोरियां? जी, मेरी घड़ी, मेरी कफलिंग्स, बहुत सी कीमती चीजें, यहां तक के घर की पेंटिंग अफाकी के जरिए बिकवा दी। फिर तो अच्छा ही किया आपने निकाल दिया घर से। अजीब खातून है, औरतों वाली तो कोई बात ही नहीं हो सकती। छोड़े उन्हें, आज से आप और मैं लाइव जाएंगे। भाई वो यार, एक आंख नहीं भाता मुझे वो, मैं उसे फारिग करो तो। हाँ तो मैंने शहरयार से कह दिया कि आज के बाद मैं उसके साथ सोशल मीडिया पे नहीं आऊंगी। बाकी तो वो निकम्मा अब मजीद तुम्हारे साथ नजर नहीं आएगा, क्यों दोस्त? बिल्कुल, आज से सिर्फ आप और मैं। मैं
अभी तुम अकेले ही आओ। भाई लोग अभी आदि हो गए हैं ना शहरयार को तुम्हारे साथ देखने, जब उसे भूल जाएंगे फिर आओ। अब एक और काम तो रह ही गया। वो क्या? जहां आरा की किताब का रिव्यू लिखना है। तुम टाइम दोगी वो भी कर दे। अरे मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, आज है ना पूरा दिन। और मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, आज के इस एक दिन में पूरी जिंदगी जी लेते। जिंदगी एक दिन की बची हो तो काफी होती है। मेरे साथ तो एक दिन भी काफी है। हेलो जी मैडम, कैसे मिजाज है आपके? आपने ये पूछने के लिए फोन किया? अरे नहीं नहीं नहीं, आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। फरमाइए भाई। एक और किस इनायत फरमाइए, वैसे ही मजेदार चटपटी मसालेदार आग लगा देने वाली। एक लाख रुपया लूंगी आपसे, बोलिए मंजूर है? हाँ मंजूर है, मगर किस्त वैसी होनी चाहिए जैसे पहले दी थी आपने। डन है, लेकिन एक महीने का एडवांस भिजवा दीजिए। अरे मैडम एक महीने के तो ज्यादा हो जाएंगे, हफ्ते के हफ्ते दे दिया करूंगा ना आपको। चलें ठीक है, इस हफ्ते का भिजवाइए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है भिजवा देता हूँ, मगर व्लॉग वैसे ही होना चाहिए, चटपटा मजेदार। फिक्र ना कीजिए, वैसा ही होगा, मसालेदार, इनकशाफात से भरा हुआ, राज उगलता हुआ। वाह वाह वाह, क्या बात है, भिजवाए। चलें अब मुझे काम करने दीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज। एडिटर का फोन था, 1 लाख रुपया दे रहा हफ्ते का। वाह भाई, तो फिर लिखिए, खुल के लिखिए, नताइज की परवाह किए बगैर लिखिए। खातून अगर बोल्ड हो तो क्या कहने, लिखिए। हाँ भाई, चली गई तुम्हारी पेनी मैडम? जी वो तो चली गई, साहब की पेंटिंग उतार कर भेज दी थी मैडम ने, पर उनके शोहर आ गए, बड़ी गालियां वाली दी। वो तो हमारे साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब गुस्सा आ जाए ना किसी का लिहाज नहीं करते, निकाल दिए मैडम को घर से बाहर। अब देखना इंशाल्लाह अदीला मैडम भी आ जाएंगी, हो सकता है शाम तक ही आ जाएं। वैसे मैं तो ये कह रहा था, अच्छी बात है, हमारे साहब किसी भी लड़की के लिए अपना घर खराब नहीं करेंगे। ठीक है, मैं समझ गया जनाब। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वो मैं क्या कह रही थी कि अजीब घबराहट हो रही है इन दीवारों में, कहीं बाहर चलें खुली हवा में। हाँ जा सकते। क्या हुआ, मूड नहीं है? नहीं, तुम्हारे साथ तो कहीं भी जा सकता हूँ, पर हम सफर तुम जैसा हो तो हर रास्ता राह चमन हो जाता है। पता है किसका फोन था? किसका? रुस्तम साहब का। भाई बहुत बड़ी चीज थे अपने जमाने में, यानी उनकी बहू है। अच्छा तो उस दिन सुल्फिकार आया था, मैं बड़ी मारपीट की उसने घर में आके, तो फोन आया था उनका, कह रहे थे कि
वो पैनी जो है उनके बारे में, उनके बेटे के बारे में, उनके खानदान के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है और मैं पैनी को सपोर्ट ना करूं। हाँ तो आप कह देते कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। काम है, मगर उनके लहजे से लगता है कि उनको मेरी बात पे यकीन नहीं आया। तो यकीन करें ना करें ये उनका मसला है, आपने तो कह दिया ना। चले बाहर चल रहे हैं ना। तुम्हारे साथ तो कहीं भी जा सकते। वो देख रही हूँ आसमान के ऊपर कई तारे, उससे भी दूर जा सकता हूँ। जी कौन? पहचाना नहीं, रुस्तम बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। बाज आ जाओ। सुलफकार ने जो तुम्हें आजादी दी है ना, बहुत गलत किया। गलत आपकी सोच है अंकल। हर इंसान आजाद पैदा हुआ है। आप जैसे लोग जो इंसानों को कैद करके रखना चाहते हैं, गलती पर आप हैं। जानता हूँ, बिल्कुल जानता। ये जो आजकल तुम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स में बैठ रही हो ना, वो तुम्हें ऐसे ही बातें सिखाएंगे, पछताओगे तुम। इसलिए कह रहा हूं बास आ जाओ। आप पछता रहे हैं ना, मैं भी पछता लूंगी। आप मेरी फिक्र मत करें।